दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करने वाले हैं आइशर प्रो 1110 ई सीरीज ट्रक वेरिएंट की, जिसके अंदर दोस्तों काफ़ी सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं। इकोनॉमी की रेंज का ये ट्रक आइशर कंपनी की तरफ से आता है, जहां पर हम इसके हर फीचर्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं केबिन की सामने की साइड में आपको प्रो 1110 ई सीरीज का बैजिंग देखने के लिए मिलता है। सामने आपको काफ़ी खूबसूरत दो वाइपर मिलते हैं और अंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था हो जाती है, एक ड्राइवर और 2 उसके को पैसेंजर साथी। डैशबोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस और आपको यूटिलिटी स्पेसेस मिलते हैं, लाइक आपको यहाँ पर एक ग्लोव बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर आप काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं अपने। और ड्राइवर को चलाने के लिए उसका कम्फर्ट का ख्याल रखते हुए यहाँ पर आपको पावर स्टेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर काफ़ी खूबसूरत 2 स्पोक्स में आपको पावर स्टीयरिंग मिलता है, जो कि टिल्ट टेलीस्कोपिक फंक्शन के साथ में आता है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती हैं, जो कि ड्राइविंग के दौरान आपको ज़रूरत पड़ती हैं उन सब चीज़ों की। और काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी ही खूबसूरत इसका केबिन अंदर की साइड से बनाया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग, म्यूजिक सिस्टम और एयर कंडीशन तो इसके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको एयर वेंट्स जरूर मिलते हैं, ब्लोअर वगैरह जरूर मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ये गाड़ी आती है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको बाकी फीचर्स में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर आपको सेफ्टी के लिहाज से आपको यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर भी मिलता है पीछे की साइड में। साथ ही आप यहाँ पर पीछे कुछ अपना सामान भी रख सकते हैं, लाइक आपका टायर रॉड वगैरह इस तरह की चीज़ें। दूसरा दोस्तों, सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पे आपको सीट बेल्ट्स मिल जाती हैं ड्राइवर एंड ड्राइवर के पास वाली दोनों सीट्स के ऊपर, और काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आइशर का जो इंजन मिलता है वो 2-वॉल इंजन मिलता है, 85 किलोवाट के आसपास आपको इससे पावर मिल जाता है और काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट इंजन है ये दोस्तों, जिसके अंदर अगर हम माइलेज का एक्सपेक्टेशन करें तो लगभग 8, 8.5, 9 किलोमीटर प्रति लीटर का ये आपको आसानी से माइलेज दे सकता है। और वैसे भी आइशर की तमाम गाड़ियां फ्यूल एफिशिएंसी के नाम से तो जानी ही जाती हैं। अब दोस्तों इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर एमरॉन की बैटरी मिलती है, और दूसरा इसके अंदर आपको जो केबिन मिलता है वो केबिन आपको यहाँ पर टिल्ट कर सकने वाले ऑप्शन के साथ में आता है, यानी कि आपको कभी भी ज़रूरत लगती है तो आप आसानी से इसके केबिन को एक लीवर के द्वारा टिल्ट कर सकते हैं। दोस्तों 3 तरह की व्हील बेस में आपको ये गाड़ी अवेलेबल होती है। आपको अगर इसके व्हील बेस के बारे में बताएं तो 3800 mm, 4300 mm, 5050 mm, इस तरह के 3 तरह के व्हील बेस में ये गाड़ी आपको अवेलेबल हो जाती है। काफ़ी मजबूत और काफ़ी ड्यूरेबल आपको यहाँ पर टायर्स मिलते हैं। स्टेपनी टायर के रूप में आपको पीछे की साइड में आपको माउंटेड स्टेपनी टायर मिल जाता है, काफ़ी ही मजबूत और काफ़ी लॉन्ग बॉडी चेसिस आपको इसके अंदर मिल जाता है। जैक्स वगैरह आपको कंपनी के द्वारा ही फिटेड मिलते हैं। 8.25 20 इंचेज के आपको 16 प्लाई रेटिंग वाले आपको यहाँ पर टायर्स मिल जाते हैं। पीछे की साइड में आपको सेमी इलेप्टिकल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, आपकी गाड़ी को ऊंचे रास्तों में आसानी से लेके जा सकता है। 190 और 395 लीटर 2 तरह के यहाँ पर आपको डीजल टैंक्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप 5050 व्हील बेस वाली गाड़ी लेते हैं तो वहाँ पर आपको जो है 395 लीटर का डीजल वेरिएंट मिलने का ऑप्शन होता है पेट्रोल टैंक का। कार्गो बॉडी की चौड़ाई जो है दोस्तों 7.2 से लेकर के 7.5, यानी कि इस तरह की 7.5 फीट तक की इसकी चौड़ाई वाली आपको कार्गो बॉडी मिलती है। ये गाड़ी आपको हाई साइड डेक, लो साइड डेक और इस तरह के ऑप्शंस में केबिन विद चेसिस इस तरह के ऑप्शंस में मिल जाती है। फ्रंट में अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन विद टेलीस्कोपिक शॉक एब्जर्वर आपको फ्रंट के साइड में मिल जाता है। दोस्तों इस रिव्यू से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यहाँ पर हम इस व्हीकल के कम से कम समय के अंदर मैंने आपको इसकी जानकारी देने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा रिव्यू था, आज के लिए इतना। कल फिर मिलूंगा किसी नए रिव्यू के साथ में, तब तक के लिए आप उषा की किरण पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप जुड़े रहिएगा। दूसरी बात, अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों तब तक के लिए, कल तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप इस वीडियो को एंजॉय करिएगा, अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये आइशर का 1110 प्रो सीरीज का आइशर का 1110 प्रो ई सीरीज़ वाला एक ट्रक है, जो कि आपके काफ़ी
फ़ायदे का सौदा हो सकता है। सारी की सारी डिटेलिंग्स मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे कनेक्टेड विद उषा की किरण।